हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोड़ा। सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि है हमारा बबल सॉर्ट से रिलेटेड। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग बबल सॉर्ट करते हैं जो कि 11th और 12th दोनों में बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो प्ले करता है। और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इंसर्शन सॉर्ट भी है जो देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बबल सॉर्ट के साथ में। तो बच्चा, जो बबल सॉर्ट है उसको करने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि भाई सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग का क्या रोल है जो हमारी लाइफ के अंदर है। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूँ तो सॉर्टिंग यार बहुत हेल्प करती है। कभी कभी हमारे पास में बहुत सारी फाइलों के ढेर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो हमें समझ ही नहीं आता। हम उसको डेट के अकॉर्डिंग है जो सॉर्ट कर सकते हैं, हम उसको उसके साइज के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, हम उनके नाम के अकॉर्डिंग है जो उनको सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर उनके टाइप के अकॉर्डिंग भी हम लोग उनको सॉर्ट है जो कर सकते हैं। सॉर्ट यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने उसको सॉर्ट है जो कर दिया यहाँ पर। तो मेरे लिए ईजी क्या हो जाएगा, अब मेरे लिए उसमें से अपनी जो मतलब अगर मैं किसी को ढूंढना चाहती हूँ तो वो चीज़ मेरे लिए ईजी हो जाएगी, है ना। तो सॉर्ट कर दिया, अब वो एकदम प्रॉपर वे में है, तो मुझे दूर से ही मेरा जो डेटा है वो मुझे दिखाई दे जाएगा कि भाई यहाँ पर मेरी फाइल है या पड़ी है। हम एग्जांपल ले सकते हैं असेंबली का। हमारी असेंबली में भी अगर हम बच्चों को इस तरीके से खड़े कर दें कि भाई ये कुछ मैनेज ही नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, और अगर हमने छोटे बच्चों को आगे रखा है बड़े बच्चों को पीछे, तो देखिए किस तरीके से वो सॉर्ट हैं जो हुए हैं, है ना। तो अच्छा लगता है वही चीज़ कि भाई हमारा जो बिखरा हुआ डेटा है, जो इधर उधर पड़ा है, हम उसको एक वेल मैनर्ड तरीके से उसको अरेंज करके चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें, ताकि हम उसमें से जो डेटा है अपना अच्छे से पैच कर पाएँ, जल्दी हमारा टाइम है जो इसमें कम लगे, हमारा डेटा भी है जो मैनेज हो जाए। तो इस तरीके से हमारा जो सॉर्टिंग है वो हमारी हेल्प करती है, हमारे बिखरे हुए डेटा को एक तरीके से मैनेज करती है। चलिए, हमने डेफिनेशन तो जान ली, अब ये जो सॉर्टिंग है इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपके सिलेबस की बात करें तो हम लोग बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट है जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बबल सॉर्ट से शुरुआत करते हैं। तो बच्चा, एंड तक देखना इस वीडियो को और आपको बिल्कुल बबल सॉर्ट है जो समझ में आ जाएगा। अब बबल सॉर्ट की अगर हम टेक्निक की बात करें यहाँ पर, तो आपको सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर एरे, या फिर हम लिस्ट कह सकते हैं। तो लिस्ट है हमारे पास में, अब मुझे इसको सॉर्ट करना है। ज़रूरी नहीं कि मैं इसको असेंडिंग में ही सॉर्ट करूँ, आप इसको डिसेंडिंग में भी सॉर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मैं छोटे से बड़े में है जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँ। तो अब टेक्निक जो बबल सॉर्ट की है वो सेम ही चीज़ करेगी, क्या करेगी, सॉर्ट करेगी असेंडिंग ऑर्डर में। बट सॉर्ट किस तरीके से करेगी, इस टेक्निक की बात सुने तो ये क्या करेगी, दोनों के आगे जो पड़ोसी है उसको उठाएगी। अब उन दोनों को आपस में कंपेयर करेगी और देखेगी कि भाई तीन क्या छोटा है छः से, क्योंकि तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है जो करना है। तो आगे का पड़ोसी देखा, अच्छा छोटा है अभी, कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है जो अपनी जगह पर लगे हैं, आगे बढ़ो, इग्नोर कर दिया। आगे बढ़े तो यहाँ पर देखेगी छः और चार, इन दोनों में अब गड़बड़ है, क्योंकि चार छोटा है छः से, तो ये चीज़ इसको हजम नहीं हुई क्योंकि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में बोला है। तो अब ये क्या करेगी, स्वैप कर देगी, चार आ गया छः की जगह पर, छः आ गया चार की जगह पर। अब स्वैप होकर के वो आगे बढ़ेगा, आगे वाले दो पड़ोसी जो उनको देखेगा, अरे इनमें से स्वैप करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि एक छोटा है छः से। अब उसने माना कि ये गलत हैं जो बैठे हुए हैं, तो इनको उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब वो अगले दो पड़ोसियों को उठाएगी, छः और पाँच, तो अब इसमें से भी दोनों गलत हैं, पाँच को छः की जगह और छः को पाँच की जगह होना चाहिए, तो स्वैप कर दिया। अब आगे वाले दो चेक करेगी तो अच्छा दो छोटा है छः से, तो अब ये भी दोनों गलत है, तो अब क्या करेगी, इसको भी स्वैप कर देगी। अब इस तरीके से जब हमारा लूप का पहला स्टेप कवर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ये चीज़ पाएंगे, सॉर्ट तो नहीं हुआ, खैर हमने ये चीज़ ज़रूर मानी और पाई यहाँ पर कि हमारी पूरी लिस्ट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो इसकी जगह पर आकर के बैठ गया है, यानी कि छः है जो वहाँ पर बैठ गया है जहाँ पर होना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पीछे। अब किस्सा है इस एरिया के साथ में, इनके साथ में,
अब यही चीज़ हम लोग बचे हुए एरिया के साथ में है जो अप्लाई करेंगे। हमारी लिस्ट के पहले दो एलिमेंट्स को कंपेयर किया, 3 और 4, क्या ज़रूरत है स्वाप करने की? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों सही बैठे हैं। अब 4 और 1 दोनों आपस में कंपेयर होंगे तो बिल्कुल गलत बैठे हैं, अब इनको स्वाप कर दिया। 4 और 5 को देखेंगे तो नहीं, 4 छोटा होता है 5 से, तो सही बैठे हैं, तो ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे गए, 5 और 2 में से हमने चेक किया तो 2 गलत बैठा है, 2 को 5 की जगह, 5 को 2 की जगह होना चाहिए, तो हमने इनको क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया और हमने इसको स्वाप कर दिया। चलिए अब एट द एंड ऑफ द सेकेंड राउंड आपके पास में ऐसा होगा कि जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ना, वो अपनी जगह पर आकर के बैठ गया होगा। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी जगह पर आकर के बैठ गया होगा। चलिए अब हमारे पास में अगला जो है लूप चलता है, हमारे पास इसमें 2 लूप है जो चलेंगे, पहला 4 लूप और अंदर से फिर 1 4 लूप है जो हम चलाएंगे। अब पहला 4 लूप है जो हमारे पास में, वो क्या कहता है कि हमने जो पहले 4 लूप है उसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारी लिस्ट के, हम वहाँ तक इसको है जो चलाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा लूप है ये जो बाहर वाला है, ये 3री बार चल रहा है, अंदर वाले लूप से हम ये जो स्वैपिंग वाला किस्सा है इसको हम लोग छेड़ते हैं। अब हमारा आउटर लूप है जो 3री बार शुरू हुआ है, अब स्वैपिंग यानी कि ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये सेकंड लूप के अंदर होगा। तो अब हमारा 3 और 1 कंपेयर हुआ, भाई 1 छोटा होता है तो हमने कह दिया कि गलत बैठे हैं ये दोनों, दोनों को स्वैप करो, स्वैप कर दिया। अब 3 और 4 तो सही बैठे हैं तो इनको ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़े 4 और 2, बिल्कुल ये दोनों गलत बैठे हैं यहाँ पर, इन दोनों को स्वैप करने की ज़रूरत है, दोनों स्वैप कर दिए। अब एट द एंड ऑफ द थर्ड राउंड थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी जगह पर आकर के बैठ चुका है। अब बचा जो किस्सा है वो इसके साथ में सेम टू सेम अप्लाई करना है, हमारा लूप चलेगा। अब हम पहली बार में पहले 2 एडजेसेंट है जो उनको देखने वाले हैं, यस बिल्कुल ये लोग सही बैठे, इनको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगले दोनों को चेक किया तो बिल्कुल ये गलत है, 3 बड़ा है 2 से 2 छोटा है 3 से कह सकते हैं। अब दोनों को स्वैप करेंगे, स्वैप किया तो अब एट द एंड ऑफ द 1 2 3 और 4 फोर्थ राउंड, तो जो सबसे बड़ा फोर्थ एलिमेंट है ना, जो भी फोर्थ एलिमेंट है, पहला सबसे बड़ा 6 था, फिर 5, फिर 4, फिर 3, वो अपनी जगह पर आकर के बैठ गया। अब अगली बार हमारी लिस्ट है जो चलती है, ये दोनों कंपेयर होते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो ये कह देता है सही है आगे चलो, और एट द एंड आपकी पूरी लिस्ट है जो आपको यहाँ पर सॉर्ट होकर के मिल जाएगी। तो अब आपकी पूरी की पूरी लिस्ट हो चुकी है सॉर्ट, राइट। हम यहाँ पर मानेंगे कि हमारे पास में टोटल लिस्ट है उतने ही स्टेप है जो यहाँ पर चले, कि टोटल कितने थे 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 1, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर इनके इंडेक्स की 0 1 2 3 4 5, तो 6 में से 1 गया 5, तो हमें इतनी बार जो हमारा लूप है जो चलाना है अगर हमें सॉर्ट करना है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए ये तो हुआ कि भाई सारे के सारे जो केस थे उनके अंदर हमने सॉर्ट किया इनको, है ना, एंड तक हम लोग चले और हमने चेक किया। बट कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा एक ही बार में करने पर हमारी लिस्ट है जो हो जाती है, तो उसको हम बेस्ट बोलेंगे। तो ये हमारे पास लिस्ट है, पहले 2 एलिमेंट्स कंपेयर हुए तो यस गलत बैठे, 3 बड़ा है 1 से, असेंडिंग ऑर्डर में फिर हम करना चाहते हैं, तो अब इन दोनों को स्वैप कर दिया, आगे वाले 2 देखे तो यस दोनों गलत बैठे, अब इनको हमने स्वैप किया यहाँ पर। अब आगे वाले चेक किए तो ये बिल्कुल सही है, इनको ज़रूरत नहीं है, फिर उसके आगे वाले यस ये भी गलत है, अब इनको स्वैप करने की ज़रूरत है, फिर उसके आगे वाले यस ये भी गलत है, तो इनको भी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। अब ये हमारा पहला राउंड ख़त्म होता है, और पहले राउंड के ख़त्म होते ही जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा लिस्ट में वो अपनी जगह पर आकर के बैठ जाएगा। अब बात रही बाकियों की, तो बाकी हमारे कंपेयर होंगे, अगर सही है तो इग्नोर, अगर सही है तो इग्नोर, सही है तो इग्नोर, सही है तो इग्नोर। अब जैसे ही सेकंड राउंड ख़त्म होगा, सेकंड लार्जेस्ट है जो अपनी सीट पर जा कर के बैठ गया होगा। अब नेक्स्ट, क्योंकि जब तक सही है वो इग्नोर करता जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बेस्ट केस क्या रहा है कि भाई पहली बार में ही हमारा जो है लिस्ट पूरी सॉर्ट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वाले को चेक करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले को, ठीक है, फिर हम लोग इसको, और एट द एंड हमारी लिस्ट है जो हमें सॉर्ट होकर के मिल जाएगी।
तो टोटल एन माइनस वन है जो हमारे पास में हुए। बेस्ट ये केस हुआ कि अगर आपका लूप सिर्फ एक ही बार चल रहा है तो वो बेस्ट केस हो गया। वर्स्ट केस अगर हम कहें कि हमारा लूप है जितने एलिमेंट्स है उतनी बार है जो चला, तो वो हमारा वर्स्ट केस यहाँ पर हो जाएगा। अब हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज़र से एंटर कराते हैं और एक लिस्ट भी एंटर करवा लेते हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए यूज़र यहाँ पर एंटर करता है हमारी लिस्ट के अंदर 6, 2, 3, 9 और 5 ऐसा कुछ एंटर करता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 0, 1, 2, 3, 4 ये तो हमारे पास में इंडेक्स हो गए। तो टोटल हम लोग कहेंगे 5 हो गए यहाँ पर। तो हमारा जो लूप है वो चलेगा कहाँ से, 0 से 4 तक चलेगा, एन माइनस वन तक। अब हम आगे आए तो हमारा एन माइनस वन है जो यहाँ पर तक स्टेप है जो चलेगा, एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये 0 से चलेगा तो हमें एन माइनस वन तक चलाना पड़ेगा। यहाँ एन माइनस वन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेंज में वो ऑलरेडी एक कम तक चलता है। अब जो दूसरा लूप हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा याद कीजिए ये हम लोग किस लिए कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं उनको यहाँ पर दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप आगे वाला जो है उसको करिए। तो इसके लिए हम ऑलरेडी क्या करते जाएंगे, उनको हटाते जाएंगे जो ऑलरेडी अपनी सीट पर सॉर्ट होकर के बैठ गए। अब ये हुआ भाई कंपैरिजन के लिए, पड़ोसी कंपेयर कर रहे थे कि अगर L का J L के J प्लस वन से, यानी कि जो पड़ोसी से अगर दूसरा पड़ोसी, दोनों एडजेसेंट चेक कर रहे हो, जो भी अगर बड़ा है पहले वाला, तो अब मुझे स्वैपिंग है जो यहाँ पर चाहिए। तो स्वैपिंग आपको पता है, वैसे तो हमें 2-3 लाइनें इसके अंदर लिखनी पड़ती है, बट पाइथन है, पाइथन के अंदर हम एक ही लाइन में काम चला लेते हैं कि जैसे अगर A में 10 है, B में 20 है, और आपको चाहिए कि भाई B में 10 आ जाए और A में आ जाए 20 आ जाए, तो अब आप क्या करोगे, A कॉमा B, B कॉमा A। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है। L के J में चाहते हो L का J प्लस वन, और L के J प्लस वन में चाहते हो L का J। बाकी आप विदाउट थर्ड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट जो भी है उसके साथ भी कर सकते हो, बाकी पाइथन में ही ईजी है। तो ऐसे आपने यहाँ पर स्वैपिंग है जो आपकी कर दी, बस भाई बस आपका प्रोग्राम हो चुका है, ठीक है। तो इतना इजी है हमारा बबल सॉर्ट यहाँ पर। टेक्निक को थोड़ा सा आपको समझ करके चलना है, शुरू शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, बाकी दैट इज़ सो इजी, राइट। और चीज़ सिर्फ इतनी है कि भाई आपका शुरुआत है जो करते हो, अब इस लेक्चर के बाद में आप इसको समराइज़ करना पूरे लेक्चर को 2-3 बार हो सकता है आपको देखना पड़े, ठीक है, और इसको कॉपी में करके देखना, आप कभी नहीं भूलोगे। और बबल सॉर्ट ऐसी चीज़ है जो आपको, आप कह लो कि BCA में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, BTEC में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, MCA में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट सॉर्टेड टेक्निक में से एक है, राइट। तो चलिए हम मिलेंगे फिर आपको अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं आपको इंसर्शन सॉर्ट के साथ में कुछ ऐसे ही ब्यूटीफुल स्लाइड्स के साथ में आपको समझाऊंगी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक तो एक आधा कर ही देना और सब्सक्राइब कर देना, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।